चमत्कार चर्च में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, कल 11 जुलाई को मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आज 12 जुलाई को पुलिस खुद चर्च में आई। कल जो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आज जो पुलिस चर्च में आई, वो एक जांच कर रही है और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हुआ यह कि हमारे यहाँ पवित्र आत्मा और से लोग भरते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं, तो किसी ने शिकायत की दिल्ली में किसी ने शिकायत की कि ये बच्चों को चर्च के अंदर बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हैं। दूसरा उनका ये था आरोप कि ये वशीकरण करते हैं लोगों को, चर्च में वशीकरण करते हैं। और तीसरा आरोप उनका ये था कि ये बच्चों को जबरदस्ती बुलाते हैं, चर्च में बुलाते हैं। और चौथा ये था कि जो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो उसमें वो कह रहे कि आप अभद्र भाषा बोल रहे हैं। तो ये आरोप थे। तो इसके जांच के लिए एक महीना पहले भी मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और मेरे बयान दर्ज हुए और एक महीने के बाद फिर अब ये बात आई। कल मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और यह बात आई कि आप बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हो, चर्च में तंत्र विद्या। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि तंत्र विद्या का और चर्च का कोई संबंध ही नहीं है। तंत्र विद्या चर्च में कभी भी तंत्र विद्या नहीं होती, चर्च में कभी भी वशीकरण नहीं होता, किसी भी चर्च में वशीकरण नहीं होता, किसी भी चर्च में तंत्र विद्या नहीं सिखाई जाती, ना ही हम, क्योंकि पवित्र बाइबल इसके खिलाफ है तंत्र विद्या के, बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं होता। और आप बच्चों को जबरदस्ती कैसे चर्च में ला सकते हैं? बच्चे आते हैं अपने माँ बाप के पास, साथ आएंगे मिलकर, कोई 10 साल का बच्चा, 8 साल का, 9 साल का, 15 साल का जो बच्चा, उसको घर से कैसे जबरदस्ती ले आएंगे? उसके माँ बाप शिकायत ना करेंगे? उसके माँ बाप कहेंगे भी हमारे बच्चों को जबरदस्ती क्यों लेकर जा रहे हो? तो ऐसे नहीं होता। तो इस विषय पर जो जांच थी, उन्होंने आज बयान दर्ज किए हैं और वो जांच फिर आगे जाएगी। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस विषय पर प्रार्थना करें। तीसरा जो वो अन्य भाषा की बात कर रहे थे भी, आप गाली गलौज कर रहे थे लोगों को, आप उनको अभद्र भाषा बोल रहे हो, तो उसके विषय में एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 14:2 क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और फिर प्रेरितों के काम 2:1-4 1 आयत से लेकर 4 आयत तक जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो बात यह है कि अब चर्च के अंदर जो प्रार्थना हो रही है उसके ऊपर ये कोई विरोधी है जिसने भी किया, उन्होंने ये इसका विरोध किया कि आप बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हो ना? और प्रशासन ने वहीं उसको रोक लगाने के बजाय आगे यहाँ तक बात गई, जबकि सभी अधिकारियों को पता है, सभी अधिकारियों को यह पता होता है कि चर्च में कभी भी तंत्र विद्या नहीं सिखाई जाती, सब जानते हैं क्या? तो ये तो जानबूझकर जो है किसी ने, विरोधियों ने, किसी ने परेशान करने के लिए ये जो है शिकायत की है भी। ऐसे विरोधियों को भी पता है चर्च में तंत्र विद्या नहीं होती। तो आज हमारे साथ वो बच्ची भी है, उसकी माँ भी है और मैं उनसे भी आपको मिलाना चाह रहा हूँ। और ये बच्ची है मास्क उतार, तो ये बच्ची है और ये उसकी मम्मी है। और ये आप कितना समय हो गया आपको चर्च में आते हुए? 5 साल हो। ओके, ऊंची थोड़ी बोली, हाँ कितना? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो आपको ये बच्ची को आपको जबरदस्ती लेके आते हैं चर्च में? नहीं।
आपकी मम्मी ज़बरदस्ती लेकर आती है, हम ज़बरदस्ती लेकर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको तंत्र विद्या सिखाई गई? नहीं, चर्च में तंत्र विद्या सिखाते नहीं, हैं, परमेश्वर की जी स्वर्गीय भाषा है। हाँ, तो यहाँ पर तंत्र विद्या नहीं सिखाते, जिस बच्ची के बारे में वो कह रहे हैं, इस बच्ची के बारे में कह रहे हैं जिसको लेकर सारी जान चल रही है, जिसके कारण हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, एक बिशप को पुलिस स्टेशन में जाकर बयान देने पड़े इस विषय पर, तो वो बच्ची तो ये है, उसकी माँ ये खड़ी है। और जब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तंत्र विद्या नहीं सिखाई जा रही हमें, तो बाहर से लोग ऐसे ही उसको परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसके लिए प्रार्थना करें, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा जितना हो सके। और बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष करें।